Hi everyone, this is Mayank Kothari and in this video we are going to discuss about the new syllabus video lectures of strategic financial management. इस वीडियो में मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के बारे में सारी जानकारी दूंगा और SFM को किस तरह से पढ़ना है ये भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. So in total we are going to deal with eight topics that we are going to discuss with. Let's have a look. So the very first thing that we are going to discuss is what you are going to receive when you are going to purchase these video lectures. Ki kya kya cheeze aapko iske sath mein aayegi. Uske baad mein books ke bare mein baat karenge. Uske baad mein video lectures ke bare mein baat karenge. And then we have what is going to be the correct approach of studies. Yahan pe this is going to be the most important part of this video. Uske baad mein doubts. Aapko agar doubts aate hain to unka kya solution hai. Revision. कैसे करना है. अपडेट्स अगर आते हैं वीडियो लेक्चर्स में या फिर SFM में इंस्टीट्यूट की तरफ से भी तो उसका उससे कैसे कनेक्टेड रहना है. एंड देन व्हाट टेक्निकल हेल्प फॉर द वीडियो लेक्चर. सो दीज आर गोइंग टू बी द एट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स स्टार्ट विद द पैकेज व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव इनसाइड द पैकेज. सो देर आर गोइंग टू बी लाइक सिक्स थिंग्स. एक आपको पेन ड्राइव आएगी. बिकॉज दिस इज रेगुलर बैच तो ये पेन ड्राइव 32 GB की होगी. 32 GB की पेन ड्राइव आएगी. आपको ये पेन ड्राइव से जैसे ही आपको आएगी आपके पास में आएगा मेक श्योर कि आप पेन ड्राइव से सारा डेटा कॉपी कर ले लैपटॉप में. पेन ड्राइव से भी वीडियो लेक्चर्स चल सकते हैं लेकिन मैं इंसिस्ट यही करता हूँ सबको कि आप पेन ड्राइव से लैपटॉप में डेटा कॉपी कर लो और लैपटॉप में इंस्टॉल करो. पेन ड्राइव सेफ रख दो क्योंकि बहुत सारे लोगों की पिछले कुछ मंथ्स में ऐसी क्वेरी आती थी कि सर पेन ड्राइव गुम हो गई. अब पेन ड्राइव गुम होगी तो वीडियो लेक्चर्स उसके साथ में चले जाते हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस. सो देन आपको क्या होता है सपोर्ट तो मिल जाता है आपको लेकिन यहाँ पे फिर आपको पेन ड्राइव की चार्जेस पे करने पड़ते हैं एंड देन अगेन सेपरेट इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग. सो इट बिकम्स कॉस्टली टू यू एंड इट बिकम्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट टू मी ऑल्सो. सो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ बोथ ऑफ अस कीप द पेन ड्राइव सेफ एंड ट्राई टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम द लैपटॉप. उसके बाद में आपको उस पैकेज में दो बुक्स आएंगी साथ में और चार्ट्स आएंगे. उसके बाद में इंडेक्स शीट में सारी डिटेल्स होगी कि कौन कौन से वीडियोस है क्या ड्यूरेशन है कितने वीडियोस है एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट इंडेक्स शीट. और ये लास्ट के दो चीज़ें हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है और वीडियो लेक्चर्स गाइड की वीडियो लेक्चर्स को यूज़ कैसे करना है. ये आखिरी की दो चीज़ें बस एक बार पढ़ने के काम की है एक बार के काम की है. उसके बाद में कुछ काम नहीं आने वाला. जो आपको पूरे टाइम साथ में रहने वाला है वो ये चार चीज़ें हैं. सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट. लेट्स डिस्कस अबाउट द बुक्स. आपको जो बुक्स आएगी साथ में इस तरह की दो बुक्स आएगी और दिस इज मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस आल्सो. ओके तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 आएगी. इंस्टीट्यूट ने भी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 ऐसे दो मॉड्यूल्स लेके आई हैं. टोटल 17 चैप्टर्स है आपके SFM में. तो एट चैप्टर्स आर देयर इन द फर्स्ट मॉड्यूल एंड 9 चैप्टर्स आर देयर इन द सेकेंड मॉड्यूल. सो दीज आर गोइंग टू बी द बुक्स. ये आप इसमें सारी डिटेल्स है दो चीज़ें. एक तो पूरा टेक्स्ट मैटर में सब कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैं वीडियो में समझाता हूँ या वीडियो में समझाऊंगा वही सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में देन यू कैन रेफर दीज मॉड्यूल्स ऑल्सो. उसके बाद में क्वेश्चंस की बारी आती है तो क्वेश्चंस भी इसी बुक में आपको मिल जाएंगे. हर चैप्टर के बाद में एंड में क्वेश्चंस कवर्ड है जो वीडियो लेक्चर्स में हम यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए. सो दीज आर गोइंग टू बी द टू बुक्स. लेट्स हैव अ लुक. ये बीच में से शुरू हुआ है. ओके सो दिस इज गोइंग टू बी द मॉड्यूल 2. ठीक है मॉड्यूल 2 में 9 से लेके 17 तक चैप्टर कवर्ड है एंड उसके बाद में दिस इज गोइंग टू बी द इंडेक्स. चलो मैं पहले आपको मॉड्यूल 1 बताता हूँ. स्टार्टिंग से ही चलते हैं ना. ओके सो लेट्स हैव अ लुक. 8 चैप्टर जो है इसमें कवर्ड है. द फर्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी. ये पहले भी ओल्ड सिलेबस में था बहुत छोटा चैप्टर है. इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये भी छोटा चैप्टर है थ्योरी पूरा. रिस्क मैनेजमेंट ये भी बहुत छोटा चैप्टर है थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट आखिरी में इसमें इन्वॉल्व है. सिक्योरिटी एनालिसिस अगेन थेरोटिकल चैप्टर बट नॉट छोटा चैप्टर. एंड देन फिफ्थ पार्ट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट वन.
लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट वन इन द एंटायर सिलेबस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन. सिक्योरिटी वैल्यूएशन में इक्विटी की प्राइस, इक्विटी शेयर की प्राइस कैसे निकालना, बॉन्ड्स की प्राइस कैसे निकालना, डिबेंचर्स की प्राइस कैसे निकालना, राइट शेयर्स की वैल्यू कैसे निकालना, एवरीथिंग वैल्यूएशन से रिलेटेड. कोई इंस्ट्रूमेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनसे रिलेटेड जो वैल्यूएशन का जो एरिया है वो इस चैप्टर में कवर्ड है. सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट फॉर यू. सिक्स्थ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. इसमें सारे प्रैक्टिकल एंड ये भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपका. सेवन्थ वन इज़ द सिक्योरिटाइजेशन. ये थियोरेटिकल टॉपिक है, पूरा छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा. एट्थ वन इज़ द म्यूचुअल फंड, अगेन प्रैक्टिकल एंड लिटिल थेरी ऑल्सो, छोटा चैप्टर है, ये भी आसानी से हो जाएगा. सो पूरे आठ में अगर मैं आपको बात करूँ तो सिर्फ पाँचवा और छठवा चैप्टर, फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर सबसे बड़े हैं. सो इन पे ध्यान देना, क्योंकि जब चैप्टर बड़ा हो जाता है तो माइंड में रिटेन करना मुश्किल हो जाता है. बाकी छोटे 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 चैप्टर्स हैं. सिक्योरिटी एनालिसिस थेरी में थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इन पूरे आठ चैप्टर्स की बात अगर करें तो. बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सेवन्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सेवन्थ, ये आपको, और सॉरी एट्थ वन ऑल्सो म्यूचुअल फंड, ये आपको काफ़ी ईजी जाएगा. सो ये चीज़ आप मार्क करके रख लेना कि मॉड्यूल वन में इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके सर, तीन है, मतलब तीन नहीं, सॉरी, बड़े चैप्टर तीन है, उसके बाद में छोटे चैप्टर ये पांच है. अच्छा, ये चीज़ ध्यान दो. यहाँ पे मैंने इंडेक्स जो दिया है आपको बुक में मिलेगा, आठ चैप्टर से ये पेज नंबर दिया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेटेज. ठीक है, वेटेज देखना. इंस्टीट्यूट ने इस बार न्यू सिलेबस में वेटेज भी दिया है कि कौन कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है. सो एक अप्रॉक्सीमेट दिया है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा. तो अगर आप ध्यान दोगे तो 100 मार्क्स में से पहले तीन चैप्टर को 5 से 10% है, मतलब हार्डली 5 मार्क का या 10 मार्क का, 5 से 10 मार्क के बीच का पूछा जाएगा. 120 मार्क का अगर पेपर आता है तो आपको तकरीबन 12 मार्क तक का पूछा जाएगा. अब न्यू सिलेबस का पैटर्न क्या होगा ये तो पहला पेपर आने के बाद ही पता आपको चलेगा. उसके बाद में आप देखोगे सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो मैंने बोला था बड़े चैप्टर्स हैं. आखिरी के दो उसमें प्रैक्टिकल है. इसमें 20 से 30% कवर होता है, यानी 1/3 पोर्शन आप बोल सकते हो कि आपके इन तीन चैप्टर्स में कवर हो जाता है 17 में से. सो इस पे फोकस जरूर करना. और उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन, म्यूचुअल फंड्स एंड डेरिवेटिव्स पे 20 से 25% है. सिक्योरिटाइजेशन छोटा टॉपिक, म्यूचुअल फंड छोटा टॉपिक, डेरिवेटिव्स बड़ा वाला टॉपिक है जो कि मॉड्यूल टू में कवर्ड है. मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा क्योंकि इन तीनों का मिला के 20 to 25% वेटेज है. सो दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ. मतलब एक आइडिया आपको आ जाता है कि किसको ज़्यादा फोकस करना है और डिटेल में पढ़ना है. बाकी इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकती है. सो आप ये तो मत लेके चलिएगा कि चलो ये चैप्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि जो चैप्टर ईजी है उस पर कम मार्क्स हैं. सो डजेंट मेक एनी सेंस छोड़ना. उसके बाद में आपकी बुक चालू हो जाएगी एंड यहाँ से लेके आपके पूरे डिटेल आगे है. तो बाकी चीज़ें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ मॉड्यूल टू पे. सो मॉड्यूल टू में अगर हम देखेंगे तो बाकी के चैप्टर्स हैं 9th से लेके 17th तक. सो 9th वन इज़ द डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन. 10th वाला चैप्टर फॉरेक्स पे है. 9th प्रैक्टिकल, 10th प्रैक्टिकल, और दोनों बड़े चैप्टर्स हैं जो कि ओल्ड सिलेबस में भी थे. सो 9th एंड 10th हो गया, ये बड़े चैप्टर्स हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देंगे. 11th वन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये छोटा चैप्टर है, लेकिन मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन बड़ा होता है, बड़ा मतलब बहुत टाइम लगना है सॉल्व करने को, तो वो आएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. न्यू सिलेबस का जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर में. 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने कवर किए, एक होमवर्क पर्पज़ के लिए. खुद ट्राई करना, और कहीं पर भी उसमें दिक्कत आती है तो मेरे को ज़रूर पूछना. 11th इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी बहुत थेरी है इसमें इन्वॉल्व. 12th वन इज़ द इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ये अगेन प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, सॉरी चैप्टर है. डेरिवेटिव्स का कुछ पार्ट जो है स्वैप से रिलेटेड, ऑप्शंस, कैप, कॉलर वगैरह, ये जो है ये सब इस चैप्टर में कवर होगा, 12th वाले इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट. सो बड़ा नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल है और थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा समझने में. एंड मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि भले ही छोटा चैप्टर है लेकिन समझ नहीं आया तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा. सो 12th वन आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है पढ़ने में और समझने में, दो बार पढ़ो लगे तो, और उसकी बुक ज़रूर पढ़ना पूरी की पूरी. उसके बाद 13th वन इज़ द कॉर्पोरेट वैल्यूएशन. कॉर्पोरेट वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ये भी प्रैक्टिकल है, छोटा चैप्टर है. 12th और 13th छोटा चैप्टर, दोनों प्रैक्टिकल चैप्टर्स है. 13th वन
सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक में थी, ये 14th होना चाहिए ना, ये 14th होना चाहिए. तो 14th इज गोइंग टू बी द मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसमें आपको मर्जर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे एंड थेरी भी है. 15th, 16th एंड 17th ये अगेन छोटे चैप्टर है, इस पे सबसे कम वेटेज है, 5 से 10% जैसे वेटेज होगा, और पूरा थियोरेटिकल है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, स्टार्टअप फाइनेंस एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 15, 16, 17 ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. हर चैप्टर की जो शुरुआत होगी उसमें मैं आपको उस चैप्टर का एक ओवरव्यू ज़रूर दे दूंगा कि चैप्टर के बारे में क्या मतलब चैप्टर बोलता क्या है बेसिकली. तो आपको ये हेल्प हो जाएगी कि समझने में कि एक माइंडसेट बन जाएगा, एक अपना वर्ल्ड और एक इमेजिनेशन पावर शुरू हो जाती है उससे कि चलो इस लाइन में हमको सोचना है जब भी हमने इसके वीडियोस देखने हैं. सो दिस इज़ इट. अगेन यहाँ इसके इंडेक्स की बात करते हैं. सो इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशन में मैंने पिछले पार्ट में मतलब मॉड्यूल वन में आपको बताया 20 से 25% कवर्ड है अगर अदर टू चैप्टर्स के साथ में, और उसमें भी दो चैप्टर पहले के थोड़े छोटे थे. तो मान के चलिए कि 15 मार्क्स या 10 से 15 मार्क्स का डेरिवेटिव्स एंड एनालिसिस पे वेटेज आएगा. उसके बाद फॉरेक्स ध्यान देंगे, 10, 11, 12, फॉरेक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इस पे 20 से 30% है. तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट वन. उसके बाद थोड़े परसेंट वेटेज कम हो जाता है, जैसे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और मर्जर्स पे 10 से 15%, और बाकी के जो तीन चैप्टर आखिरी के इस पे सिर्फ 5 से 10%. सो पहले तीन चैप्टर 5 से 10%, आखिरी के तीन चैप्टर 5 से 10%, 6 चैप्टर और 20% वेटेज है. 17 में से 6 चैप्टर और 20% वेटेज है मैक्सिमम, मतलब 10 से 20% वेटेज है. ठीक है छोटे छोटे और थेरी आएंगे क्वेश्चन ज़रूर, ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे. उसके बाद जो चौथा पांचवा चैप्टर है ये डिफ़िकल्ट थोड़ा सा और वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है. चौथा है पांचवे से लेके, तो ये हो गया आपका 14th तक. ये चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि समझ में आए चीज़ें. सो ये वेटेज हो गया, और ये सब मैंने बुक्स और आपको सिलेबस के बारे में एक डिटेल जानकारी दे दी कि क्या एक्चुअल में आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे. अच्छा एक चीज़, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही मैंने भी अपने चैप्टर्स के नाम रखे हैं, मैंने एक भी चैप्टर का नाम इधर से उधर नहीं किया. लास्ट टाइम जब ओल्ड सिलेबस में वीडियो लेक्चर्स लेता था तब डेरिवेटिव्स या बॉन्ड वैल्यूएशन ये चैप्टर्स अलग होते थे, तब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती थी तो कि सर ये चैप्टर कहाँ कवर्ड है, ये चैप्टर कहाँ कवर्ड है. क्योंकि आप वीडियोज़ देखने के बाद में इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल ज़रूर करते हो, तो एक बार एक वे में जाने के बाद में जब आप कोई नई बुक पकड़ रहे हो इंस्टीट्यूट का मटेरियल, तो आपको फैमिलियर लगना चाहिए ताकि आपको इजी जाएगा उसको कवर अप करना. अगर यहाँ पे कुछ और चैप्टर है और वहाँ पे कुछ और चैप्टर है, अगर मैं आपको ऐसा दे दूँ तो डिफ़िकल्टी जाएगी समझने में कौन सी चीज़ें कहाँ कवर्ड है एंड नॉट. सो नाउ दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी इजी, सो इट्स एन इम्प्रूवमेंट पार्ट फॉर मी ऑब्वियसली, कि मिस्टेक्स की आपने अलग अलग चैप्टर का नाम रख के पिछली बार में, एंड दिस टाइम आई इम्प्रूव्ड ऑन दैट. सो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर मी ऑल्सो. सो दिस इज अबाउट द बुक्स एंड सिलेबस, लेट्स मूव अहेड. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वीडियो लेक्चर्स. जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपके, ये टोटल 150 आवर्स का कंटेंट है. 150 घंटे में ये सारे वीडियोस कवर अप होते हैं. एक डाउट जनरली ये आता है बच्चों का, जब मतलब जब स्टूडेंट सपोर्ट नंबर पे बच्चे कॉल करते हैं या आप लोग कॉल करते हो, तो जो सामने बैठा हुआ होता है हमारी तरफ से बंदा, उसको ये जनरली ये पूछा जाता है कि 150 घंटे तो कम है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर फैकल्टीज़ या अदर क्लासेस, या फेस टू फेस क्लासेस भी जब हम करें, या जब मेरी भी फेस टू फेस क्लासेस होती थी तो वो टोटल 200 या 220 तक जाता था. और तो 150 घंटे कम नहीं हुए क्या, कुछ मिसिंग है क्या? नहीं मेरा फिर हम लोग, मैंने उनको एक्सप्लेनेशन ये दिया, और आपको भी मैं यही चीज़ बताता हूँ कि 150 घंटे जो है इसमें राइटिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं है, ये प्योर टीचिंग कंटेंट है. मतलब मैंने जहाँ बोलना शुरू ख़त्म किया वहाँ वीडियो ख़त्म हो जाएगा. तो जैसे आखिरी में पहुँचोगे आप, तब आप लिख सकते हो, या ड्यूरिंग द वीडियो आप लिख सकते हो, या फिर स्पीड है तो आप पॉज करके लिख सकते हो. तो जब आप
और फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है कि आपका लिखने का टाइम भी इंक्लूडेड होता है उसके अंदर में, टीचर रुक जाता है 5-10 मिनट और आप लिखते हो, सो उससे टाइम इंक्रीज होता जाता है। इसके बाद में डाउट्स वाला पार्ट, आप अगर डाउट्स वगैरह पूछते हो तो उसमें भी टाइम जाता है, लेकिन इन वीडियो लेक्चर्स में ये वो टाइम इंक्लूडेड नहीं है। सो ऑन एन एवरेज अगर आप कैलकुलेट करें तो ये फेस टू फेस क्लासेस के ड्यूरेशन से भी ज़्यादा जाता है अगर आप लिखने का भी टाइम इंक्लूड करेंगे तो। बट ओवरऑल आपको फ़ायदा ये है कि आपका आप बोल सकते हो 180 घंटे के आसपास में कवर अप हो जाएगा, मतलब आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैं आपके टाइम की बात कर रहा हूँ, ये तो 150 घंटे ठीक है, आपको जितना टाइम देना पड़ेगा वो दैट इज़ मैक्सिमम 180 आवर्स। सो ऑन एन एवरेज अगर आप लेके चले 3 घंटा अगर आप रोज़ बैठे 3 आवर्स a day फॉर वीडियो लेक्चर्स, सो 2 घंटे के वीडियोज़ देखना है आपने, 1 घंटा खुद प्रैक्टिस करनी है या लिखना है, और 3 घंटे के हिसाब से 60 दिन 60 days एंड 3 आवर्स 180 आवर्स में आपके सब कुछ खत्म हो जाता है। सो कैसे 180 आवर्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो 150 आवर्स का टीचिंग कंटेंट है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स इज आप स्पीड में वीडियोज़ देख सकते हैं। सो 1.5 की स्पीड ले लो, 2 की स्पीड ले लो, अगर जब आप स्पीड बढ़ाते हैं ना तो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है और आप पूरी चीज़ें पढ़ भी लेते हैं। लाइक 10 मिनट का वीडियो आप 1.5 के से चलाओगे तो तकरीबन 6.5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 2 पॉइंट के से चलाओगे तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा स्पीड में देख के कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा। सो 10 मिनट का वीडियो मैक्सिमम आप 6 मिनट में ख़त्म, मिनिमम आप 6 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। सो एक तो वो टाइम सेव हो जाता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि 150 घंटे का मान लो ऑन एन एवरेज 120 घंटे हो गए, 120 घंटे, या अगर 1.5 की स्पीड ले तो 150 घंटे को आप 100 घंटे में देख सकते हैं। सो 110-120 घंटे ये हो गए। उसके बाद में राइटिंग जब आप करते हो तो आपको टाइम देना पड़ता है, तो उसमें तो स्पीड नहीं बढ़ा सकते जितनी है वो है। सो 50 घंटे में वो भी लेके चल रहा हूँ, 40-50 घंटे प्लस प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, सो टोटल अराउंड आ जाता है वो 170-180 घंटों के पास में जो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा SFM में, ठीक है। उसके बाद में ऑन एन एवरेज 16 मिनट हर वीडियो, 150 घंटे में हर वीडियो ऑन एन एवरेज 16 मिनट का, मतलब हर कॉन्सेप्ट पे और हर क्वेश्चन पे वीडियोज, हर कॉन्सेप्ट पे और हर क्वेश्चन पे वीडियोज है। सर क्यों ऐसा, एक एक दो दो या तीन तीन घंटे की वीडियो नहीं, क्यों नहीं है? रीजन मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, एक तो रिवीजन में आपको प्रॉब्लम जाएगी अगर मैं दो दो तीन तीन घंटे की वीडियोस दूँ तो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको आता है या कोई क्वेश्चन आपने खुद ही सॉल्व कर लिया और आपको वो पार्ट कवर अप नहीं करना, आप ही सोचो, आप जब कॉन्सेप्ट देख रहे हो, कॉन्सेप्ट देखने के बाद में जब क्वेश्चन से बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हो तो उसके बाद में दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तीसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करना है। अब क्या होगा ना, जब आपके 2 घंटे के वीडियोस में आपको दूंगा तो उसमें कॉन्सेप्ट और 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक साथ इंक्लूडेड होगा, तो उससे होगा क्या, उससे आपको स्क्रॉल करते जाओ, वहाँ पे जाके रोको जहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको चाहिए वो शुरू हो रहा है। दिस इज़ टाइम इन्वेस्टिंग बे मतलब सॉरी टाइम वेस्टेज है, और इससे क्या होगा, इरिटेशन भी होती है, मतलब हर बार हर वीडियो में ऐसा करना, ठीक है। इसके अलावा मुश्किल ये जाती है कि रिवीजन, रिवीजन के लिए अगर आपने मार्क करके रखा है मेरे को इतने ही क्वेश्चन करने हैं, यही कॉन्सेप्ट देखना है, तो आप स्क्रॉल करते बैठोगे हर वीडियो में, या फिर आपको पहले से नोट डाउन करना करके रखना पड़ेगा अपना खुद की बुक में कि ये पॉइंट से ये चालू हो रहा है, ये पॉइंट से ये चालू हो रहा है। दिस इज़ अननेसेसरी वर्क विच इज़ नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू। अच्छा वैल्यू ऐड होती तो कुछ समझ में भी आए, सो दैट इज़ वाई ऑल द वीडियोज आर स्मॉल, ठीक है। सो हम लोग जनरली, मैं ये करता हूँ कि हर 6 महीने में मैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं पास जिन्होंने खरीदा उनसे रिव्यूज़ लेता हूँ, ना जेन्यून फीडबैक एंड आई एम शेयरिंग विथ यू। 100 में से ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ तो 7 लोगों को या 8 लोगों को या 10 लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है कि सर छोटे छोटे वीडियोज़ नहीं जमते, दो दो घंटे के सर वीडियोज़ चाहिए, एंड बाकी 90 लोगों को दिस इज़ अपीलिंग एंड दिस दे आर फाइंडिंग इट वे बेटर दैन 2 आवर्स वीडियोज। सो दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग इट। मैं रिव्यूज़ आपसे भी लूँगा और आप भी जेन्यून रिव्यूज़ दीजिएगा। जब भी मेरे पास में ऐसा होगा कि 50% से ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि सर 2 घंटे या 3 घंटे के वीडियोज़ होंगे, तो मैं कंबाइन ज़रूर करूँगा, कंबाइन करने में कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर्स। सो 16 मिनट के वीडियोज है ना, जस्ट बिकॉज 16 मिनट के वीडियोज है, छोटे वीडियोज है, इसीलिए नंबर ऑफ वीडियोज बहुत सारे हैं। सो इन टोटल जो आपको मिल रहे हैं दैट इज 550 वीडियोज, 550 वीडियोज प्लस हर कॉन्सेप्ट पे हर क्वेश्चन पे। सो जरूरी नहीं है हर वीडियो देखना, मैक्सिमम चीज़ें तो कॉन्सेप्ट सिलेबस से कवर्ड ही है, सिलेबस से रिलेटेड ही है। आपको अगर कोई चीज़ आती है तो स्किप इट सो दैट यू कैन सेव द टाइम, ठीक है। बट सिर्फ नाम देख के स्किप मत करना, बिकॉज उसके अंदर में मैं डिटेल्स भी बहुत सारी बताता हूँ जो शायद हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नहीं पता हो पहले से।
सो ये चीज़ होगी 150 आवर्स का टोटल कंटेंट है, 16 मिनट का वीडियो और 550 टोटल वीडियोज़ है। आपको वीडियो लेक्चर्स जो आप लोगे ना, तो ये 550 जो वीडियोज़ में बोल रहा हूँ ना, उन सब की इंडेक्स शीट आएगी। एक इंडेक्स शीट यानी कि पूरे 15-16 पेजेस की या 20 पेजेस की एक शीट, मतलब एक बुकलेट आएगी, छोटी सी शीट बोल सकते हो आप उसको बेसिकली, जिसमें हर वीडियो के बारे में जानकारी दी हुई है। हैव अ लुक ऑन इट, दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडेक्स शीट। इसमें चैप्टर वाइज कौन सा वीडियो का नाम क्या है, कितने मिनट का है, और आपके आजू बाजू में एक दो कॉलम्स भी छोड़े गए हैं मार्किंग करने के लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मेरे को प्लीज़ मेल करिएगा, ताकि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी प्रोवाइड करा सकूँ। आप मेरे को मेल करिए या कॉन्फ्रेंस आके IDP भी मेल कर सकते हो। उसके बाद में जब आप वीडियो लेक्चर्स खरीदेंगे वेबसाइट पे जाके, तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जस्ट बिकॉज एक इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट लेवल से पास होने के बाद में, CA इंटरमीडिएट लेवल पे पास होने के बाद में, आपको 2 साल का 2.5 साल का टाइम होता है पेपर देने को, एग्ज़ाम देने को। और मेरा जनरली ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने रेगुलर बैच लिए, तो 2 महीने क्लास करते हैं तब बच्चा बहुत अच्छे से, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जब 2 महीना मेरे पास में बच्चा क्लास करता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द बैड पार्ट ऑफ इट। 2 महीने की क्लास खत्म होने के बाद 4 महीने बाद में आप सब कुछ भूल जाते हो, और जब एग्जाम नजदीक आती है तब और भी कुछ भूल जाते हो। वही बच्चे वापस मेरी ही क्रैश बैच में आ रहे हैं पैसे देके, मतलब स्टार्टिंग में ऐसे हुआ, उसके बाद तो मैंने पुराने बच्चों को फ्री में अलाउ किया। बट इट फील्स बैड जब आप ही के रेगुलर बैच से बच्चा आप ही की फास्ट ट्रैक में आ रहा है, एंड दैट फील्स बैड। एंड मैक्सिमम लोगों को जब पूछा गया तो यही बताते हैं कि सर भूल गया, सर भूल गया। एंड मेरे को भी ये जेन्यून लगता है कि मैं भी था, तो मैं भी ऐसे ही भूल जाता था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ वन ऑप्शन दैट वी हैव प्रोवाइडेड, कि आपको 3 अलग अलग वैलिडिटीज़ मिलेगी जिसमें आप परचेज कर सकते हैं, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स की वैलिडिटी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में 2 साल तक वीडियो लेक्चर्स चले, यू कैन गेट इट विथ 24 मंथ्स वैलिडिटी। अच्छा, नेक्स्ट इज 450 आवर्स का व्यूज़। व्यूज़ की बारी आती है, जब सर मैं वीडियो लेक्चर चलाऊंगा तो मेरे को कितने व्यूज़ मिलेंगे, कितनी बार मैं एक वीडियो को देख सकता हूँ। ये जो व्यूज़ है ये पर वीडियो नहीं है, ये टोटल पे है। 150 घंटे इंटू 3 टाइम्स आपको व्यूज़ मिलते हैं, दैट इज 450 आवर्स। 150 × 3 इज 450 आवर्स। 450 आवर्स आपको टोटल मैंने दे दिए। अब आप इसमें कोई भी वीडियो कितना भी देखो, कितना भी देखो, 450 घंटे जब देखना खत्म हो जाएगा तब वीडियोस चलना बंद हो जाएंगे। सो दिस इज गुड, आप एक वीडियो को 1000 बार भी चला सकते हैं, छोटे वीडियो अगर कुछ होगा तो, बट मैक्सिमम 450 आवर्स। सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिवाइंड फॉरवर्ड, वीडियो आप 10 सेकंड चला के क्लोज कर दो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी बार भी आप वीडियोस को ओपन क्लोज कर सकते हैं, कोई व्यूज़ काउंट नहीं होंगे। सो ये चीज़ मैंने जानबूझ के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में कवर की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, उनको डाउट्स होते हैं। एंड द थर्ड थर्ड थिंग इज़ अ सीक्रेट, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन कपल ऑफ थिंग्स इन द वीडियो लेक्चर इटसेल्फ, जो कि स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हैं। एंड आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज इट इन द कमिंग टाइम व्हेन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट एज अ क्वेश्चन मार्क। लेट्स डिस्कस अबाउट द करेक्ट अप्रोच ऑफ स्टडीज, एंड दिस इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। और ना कि सिर्फ वीडियो लेक्चर्स यूज करने वाले को, बाकी भी लोगों के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या जब आप मतलब बेसिकली मैं बता देता हूँ अप्रोच क्या है। वीडियो लेक्चर्स की जगह बुक्स रख लेना, आपकी स्टडी मटेरियल, आपकी क्लासेस के नोट्स रख लेना, अगर आप वीडियो लेक्चर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। या मतलब आप कोई और स्टूडेंट है, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो। जब आप वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, ठीक है, तो एक अप्रोच है ये ज़रूर फॉलो करना। अगर आपने गलत अप्रोच फॉलो की तो आपका एक तरह से वीडियो लेक्चर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ना ही कोई क्लास लगाने का फ़ायदा है, अगर वो अप्रोच गलत रहा तो, कोई भी क्लास सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट क्यों। सो वॉट इज़ दैट अप्रोच, आई विल टेल यू। क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन कवर्ड है, तो मेरा क्या सजेशन है मैं आपको बताता हूँ। आप एक चैप्टर पकड़ो, चैप्टर वाइज जाओ, ठीक है। आप एक चैप्टर पकड़ो, उसके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पहले देखो, और जब क्वेश्चन की बारी आती है ना, तो ये क्वेश्चन बुक में से लेके पहले आप सॉल्व करके देखो, बिना वीडियो देखे, बिना आंसर देखे सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, कहीं पे भी अटकने दो। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक लाइन तो लिखो खुद के हाथ से ब्लैंक पेज पे,
शुरू तो करो कहीं ना कहीं से, जहां अटकते हो अटकने तो कुछ भी कचरा करो, गलतियां करो चलता, उसके बाद में आप वीडियो पे आओ, आंसर पे आओ, उसका सॉल्यूशन देखो और पता करो कि आप कहां मिस्टेक कर रहे थे, जस्ट फाइंड इट आउट, ओके। और वो नोट डाउन करके रखो। कहां पे नोट डाउन करके रखोगे आप? क्वेश्चन बुक में, जो मैंने मॉड्यूल आपको, दो मॉड्यूल दे रहा हूँ ना, उसमें जहां क्वेश्चन है उसके आजू बाजू में लिख के रखो, आपकी कॉपी में नहीं, जहां आंसर लिखा है वहां नहीं, वहां कोई मतलब नहीं है, आपके क्वेश्चन बुक में नोट डाउन कर लिखो दो तीन गलतियां जो आपने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, फिर आंसर देखो, खुद सॉल्व करो फिर आंसर देखो, खुद सॉल्व करो फिर आंसर देखो। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, बट ट्रस्ट में अगर आप ये करते हैं तो मैं एडवांटेज ये बताता हूँ, चांसेस जो आपके 20% पास होने के अगर होंगे तो वो 80% पे पहुँच जाएंगे। दिस इज़ द करेक्ट अप्रोच। वॉट इज़ द रॉन्ग अप्रोच दैट द पीपल हैव बिन फॉलोइंग, ये मैं पहले वीडियोज़ में नहीं बताता था क्योंकि मेरे को नहीं पता था, बट जब लोगों को देखा मैंने किस तरह से वीडियो लेक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, तब मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों को ये चीज़ बताना। क्या बहुत लोग गलती ये करते हैं कि सर वीडियो लेक्चर्स 150 घंटे के हैं, अच्छा ठीक है, मैं एक दिन में कितना पढ़ सकता हूँ? मैं एक दिन में ना तकरीबन 6 घंटे, 6 घंटे के वीडियोज़ में, सॉरी 8 आवर्स के सर वीडियोज़ में देख सकता हूँ, ठीक है 8 आवर्स के वीडियोज़ अगर मैं देखूंगा तो 150 बाय 8 अगर मैं करता हूँ तो तकरीबन 20 दिन में मेरे, 20-19 दिन में मेरे पूरे वीडियो लेक्चर्स ख़त्म हो सकते हैं। ये कैलकुलेशन लगा के लोग शुरू कर देते हैं, वीडियो पे वीडियो देखना, स्पीड में देखना, वीडियो पे वीडियो देखना, स्पीड में देखना, बस लैपटॉप के सामने पड़े हैं और देखे जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। 20 दिन में इतना सारा सिलेबस माइंड में बैठेगा ही नहीं। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, आप कितना भी डेडिकेटेड क्यों नहीं हो जाए, एक ह्यूमन लिमिटेशन होती है, एक दिन में इतना ही खा सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने आपको अगर 150 पेस्ट्रीज दे दी या केक दे दिए, चॉकलेट्स दे दिए, तो आप 20 दिन में या 10 दिन में, 2 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। आपके बॉडी की एक लिमिटेशन है, वैसी ब्रेन की भी लिमिटेशन होती है। डोंट फोर्स योर सेल्फ। अगर इफेक्टिवली दिमाग में आपको चीज़ें डालना है तो वॉट इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट अप्रोच? 2 घंटे की वीडियोस मैक्सिमम आपने देखने, आई एम टेलिंग यू मैक्सिमम। अगर 1.5 की स्पीड में देख रहे हो तो 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, छोड़ दो वहीं पे, उसके ऊपर नहीं देखना दिन भर में। 2 घंटे की वीडियोस देखो और जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है ना उस पर ज़्यादा टाइम दो, प्रैक्टिस या क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखने वाला पार्ट उस पर ज़्यादा टाइम दो, इस पर नहीं। ये देख लो उसके बाद उस पर ज़्यादा टाइम दो खुद करने में, ठीक है। ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये अप्रोच फॉलो करना। गलती से भी अगर आपका 1 महीने में पूरे 150 घंटे ख़त्म करने का प्लान होगा, छोड़ दो, इफेक्टिवली बेनिफिट मतलब नहीं मिलेगा आपको, आई एम टेलिंग यू। रेगुलर बैच 2 महीने लगेंगे। आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो ना इसके साथ में, 6 घंटे अगर आपके पास में तो 3 घंटे कुछ और पढ़ो, 3 घंटे SFM को दो, बस मेरा यही बोलना है। तो टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है लेकिन इफेक्टिवली पढ़ाई हो रही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट अप्रोच फॉर दिस। एंड उसके बाद में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करो, उसके बाद में आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते जाओ साथ साथ में, ठीक है। जैसे ही आप ये पढ़ते जाओगे साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि 1000 पेजेस की बुक आपकी एक दिन में रिवाइज नहीं होती। चार्ट्स जो है, चार्ट्स जो मिलने वाले उसको रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो, एट द टाइम दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो एक तरीका क्या हो गया कि पहले आपने वीडियो लेक्चर्स किए, साथ साथ में प्रैक्टिस की, और उसके साथ में आप हर चैप्टर के अपने खुद के नोट्स बनाते गए। नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, एक समराइज्ड फॉर्म में होने चाहिए, ताकि एक दिन पहले जब एग्ज़ाम में आपको पढ़ने की नौबत आएगी तब आप इजीली पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि एक दिन पहले जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप वापस पूरी बुक लेके बैठ जाते हो, एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाते हो, एंड दैट इज़ समथिंग लाइक अ वर्स्ट डिसीजन। अच्छा, उसके बाद में आपने पहले वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किए, फॉर अदर स्टूडेंट आप अपने क्लासेस के नोट्स कंप्लीट करो या बुक्स जो रेफरेंस बुक है तो उसको कंप्लीट करो। उसके बाद में आती है बारी प्रैक्टिस की, स्टडी मटेरियल या प्रैक्टिस मैनुअल, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरी कंप्लीट करना है। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू द टेक ऑन इट, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनी क्लासेस। कोई भी क्लासेस पे अपने सक्सेस के लिए डिपेंडेंट मत रहो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वीडियो लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हो जाओगे, मयंक कोठारी आपको सब कुछ करा के दे देगा, गलत। आप कोई और सब्जेक्ट की क्लास लगा रहे हो फेस टू फेस में, वो टीचर सब कुछ करा के दे देगा, गलत। ये अप्रोच सबसे ज़्यादा गलत है। 80% बच्चे
इसी की वजह से फेल होते हैं। मतलब जो फेल होते हैं वो उनमें ये एक रीज़न होता है 80% बच्चों का, क्योंकि आप क्लासेस पे डिपेंडेंट हो जाते हो। कोई क्लास, कोई भी क्लास आपको पास नहीं करा सकती। जो पास करा सकता है वो सिर्फ हो आप खुद को। सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप खुद पे ले लोगे ना, तब अल्टीमेटली सोचना शुरू कर दोगे। उसके बाद प्रैक्टिस हो गई, वीडियो लेक्चर्स हो गए। साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इंटरनेट पे भी ये टर्म्स को सर्च करा करना शुरू कर दो, इन टर्म्स को, तो आपको एक नॉलेज मिलेगा। उसके बाद में आती है बारी रिवीजन के। चार्ट्स डेली रिवाइज करो। आखिरी के 3 महीनों में तो आपने डेली एक चार्ट पढ़ना है SFM का। उसके बाद में आती है बारी मॉक टेस्ट की, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप, मॉक टेस्ट पेपर। पूरे इसमें जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये पर्टिकुलरली चार्ट है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चार्ट्स, ठीक है, और ये रिवीजन पर्पस के लिए वो शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। और अब आप मैक्सिमम देखोगे 30% ऑफ द टोटल शुड बी इन्वॉल्व इन मॉक टेस्ट पेपर। सॉल्व करो। यहाँ 90% बच्चे ये चीज़ नहीं करते, बस यहाँ तक आके, मतलब मैं बता रहा हूँ 90% पीपल आर गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली। यहीं पे कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली थोड़ी बहुत, और उनको लगता हो गया। ये पूरे 50% भी कवर नहीं कर रहे, पता है आपको, उसमें भी थोड़ा सा कम है। मतलब आपकी सिर्फ आधी पढ़ाई हुई है, आधी तो हुई नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ, रिवीजन, इससे काफी हद तक हेल्प हो जाएगी और आप तकरीबन 70% कवर कर लोगे पढ़ाई जितनी करनी है आपको। 30% वाला जो पार्ट है ना, वो मॉक टेस्ट पेपर पे होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 घंटे दे रहे हो SFM को, तो उसमें से 30 घंटे सिर्फ पेपर सॉल्व करने पे देना चाहिए। एक के बाद एक मॉक टेस्ट दिया करो। 10 पेपर्स तो एटलीस्ट आपने सॉल्व करना है, और सॉरी, सॉल्व करने के बाद में आप एनालाइज करो गलतियां कहाँ हो रही है, वापस कॉन्सेप्ट पे जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, समझो, और फिर से मॉक टेस्ट पेपर दो। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर आपको पास होने की गारंटी चाहिए ना, मतलब गारंटी ऐसे तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक हद तक बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लेवल तक अगर आपको गारंटी चाहिए ना, गो अहेड फॉर द मॉक टेस्ट पेपर। कहीं टेस्ट सीरीज हो रही है, ज्वाइन करो। 10 पेपर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के आपने देने, 7 पेपर एटलीस्ट आपको एक सब्जेक्ट के देने हैं। मॉक टेस्ट पेपर्स या फिर इंस्टीट्यूट के पास एग्जाम पेपर्स डाउनलोड करो और खुद सॉल्व करो। एग्जाम कंडीशन में 2 से 5 बजे या कोई भी 3 घंटे ले लो। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है आपकी। उन कंडीशंस में नर्वसनेस को कैसे हैंडल करना, टाइम को कैसे हैंडल करना, ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब आप एग्जाम में जाते हो, तब आपको कुछ नया नहीं लगता। क्या होता है, हमारी गलत आदत क्या होती है, हम एग्जाम में जाके प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ गलतियाँ होती है और आप फेल हो जाते हो। फिर 6 अटेम्प्ट आपको लग जाते हैं, 3-4 अटेम्प्ट आपको लग जाते हैं पास होने में, क्योंकि वो प्रैक्टिस का सेशन चालू है ना। पहले 4 अटेम्प्ट तो प्रैक्टिस चल रही थी हमारी, ऐसा वही प्रैक्टिस आप घर पे कर लो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको इससे। सो आई होप आप ये चीज़ें करोगे, मेरा तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कि किसी तरह से टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा सकूँ सारे बच्चों को इंडिया में, एटलीस्ट SFM के लिए। तो भी लेट्स सी, इफ समथिंग कम्स अप आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू। नाउ कम्स द डाउट्स वाला पार्ट। आपके पास में दो ऑप्शन है जिससे कि जिसके थ्रू आप SFM के डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ जानकारी इसके बारे में ले लीजिए। एक जो कॉन्फ्रेंस या प्लेयर आप यूज़ करेंगे, उसी प्लेयर में ये ऑप्शन है कि आप डाउट्स पूछ सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ आपको इंडिया में जितने भी बच्चों ने वीडियो लेक्चर्स खरीद के देख रहे हैं, उनके पूछे हुए डाउट्स और मेरे दिए हुए आंसर भी आपको दिखेंगे। सो दैट आपको बहुत सारे डाउट्स का इमीजिएटली रिप्लाई मिल जाएगा। दिस वॉज एन इम्प्रूवमेंट पार्ट फॉर मी। 2017 मिड से हमने ये शुरू किया था। पहले सिर्फ 1-to-1 रहता था कि आपके डाउट्स आप ही को दिखते थे, बट फिर मैंने ये सोचा कि रिपीटेटिव डाउट्स आ रहे हैं तो, और मेरे को टाइम लग जाता था कभी कभी रिप्लाई करने में, तो एटलीस्ट इमीजिएटली चाहिए, तो फिर एक FAQ टाइप में बाजू में बनाते चलो, तो ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। हर वीडियो में बच्चों ने क्या डाउट पूछा है, 550 वीडियो, तो 550 में अगर डाउट्स पूछा है तो वो सारे अलग अलग से आपको दिखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। उसका यूटिलाइज बहुत ज़्यादा करो। अगर आप कहीं और हो, आपके पास में वीडियो लेक्चर्स मतलब हैंडी नहीं है, तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को डाउट्स पूछ सकते हैं। वॉट इज गोइंग टू बी द व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप है 8983434751152। इस नंबर पे आप मेरे को डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, SFM से रिलेटेड। जब व्हाट्सएप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप फोटो खींचो और फिर डाउट पूछ लो। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट।
एंड दिस इज फॉर एवरी वन. व्हाट्सएप वाला ऑप्शन तो फॉर एवरी वन, मतलब वेदर द पर्सन इज अ स्टूडेंट और नॉट. बिकॉज अगर मेरे पास में एक मतलब छोटे से एफर्ट से अगर हेल्प हो सकती है तो वाई नॉट टू हेल्प. नाउ डाउट्स के रिप्लाई की बात करता हूँ. मैक्सिमम मेरा ऐसा होता है कि 1 से 2 दिन के अंदर में मैं रिप्लाई कर देता हूँ मैक्सिमम. बट अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डेडलाइन वाले काम पे हूँ, लाइक न्यू सिलेबस की रिकॉर्डिंग अभी चल रही थी, दिसंबर में देना था, डिस्पैच करना था एंड एवरीथिंग, तो फिर मैं उस टाइम पे डाउट्स रोक देता हूँ रिप्लाई करना. मैं अवॉइड नहीं करता, रोक देता हूँ. और मतलब तकरीबन मैं 1-1.5 महीने रोक दिया डाउट्स मैंने रिप्लाई करना, बिकॉज टाइम यहाँ देना ज़रूरी था पहले तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से. तो ये चीज़ें जनरली जहाँ, और अगर मैं वैकेशन पे रहा, छुट्टी पे रहा मान लो, बिकॉज फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उनकी देखभाल करूँगा तो मैं यहाँ रहूँगा तो मैं आपको सर्विस दे पाऊँगा. उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, और तब आप काम लेके नहीं बैठ सकते, आपको बहुत डांट पड़ती है घर वालों से. तो उस टाइम पे भी मैं डाउट्स के रिप्लाई नहीं करता अगर मैं वैकेशन पे हूँ तो. इन सब के बारे में, अगर कोई पर्टिकुलर पीरियड है यहाँ से यहाँ तक मैं डाउट्स अगर नहीं सॉल्व करता, तो इन सब के बारे में आपको 2-3 जगह पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एक व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, दूसरा SMS के थ्रू, तीसरा ईमेल के थ्रू, और चौथा कॉन्फ्रेंजा प्लेयर पे. ईमेल और कॉन्फ्रेंजा प्लेयर पे तो आएगा ही आएगा, बाकी 2 पे भले ही आए ना आए, इन 2 पे ज़रूर आएगा कि ये से ये डेट तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ. यू कैन कीप ऑन आस्किंग मी द डाउट्स, बट उसका रिप्लाई आपको उसके बाद ही मिलेगा, उस टाइम के बाद ही. बाकी टाइम पे आई विल सपोर्ट ऑल द डाउट्स. सो और एक चीज़ उसमें ऐसी है कि 100 डाउट्स, 100 लोग या डाउट्स पूछते हैं तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि मैं 95 के या 90 के ही 95 के डाउट सॉल्व कर पाता हूँ. 5 लोगों के डाउट्स छूट जाते हैं गलती से, गलती से डाउट छूट जाते हैं, क्योंकि कभी कभी स्किप हो जाता है आपके, इससे ह्यूमन एरर आप बोल सकते हो. तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके साथ में कभी ऐसा हो, आपका डाउट में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, तो आप जेंटली थोड़ा सा रिमाइंड करवा दो मेरे को कि सर इसका डाउट पेंडिंग है, इसका रिप्लाई पेंडिंग है, बस दैट्स इट. इंटेंशन कभी बुरे नहीं रहते, कोई ईगो नहीं है भाई मुझ में. सो डोंट एवर थिंक अबाउट इट कि भैया मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक बार रिमाइंड करा दो. थोड़ा सा बेशरम बनो और पूछो क्या है, जब तक मैं मना नहीं करता पूछते जाओ. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट अप्रोच. लेट्स टॉक अबाउट द रिविजन पर्पज. रिविजन मोस्टली मैंने कवर अप कर दिया द करेक्ट अप्रोच वाले पार्ट में. जो यहाँ डिस्कस करना था मैंने वहीं डिस्कस कर लिया. चार्ट्स एंड शॉर्ट नोट्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये बनाएं, क्योंकि 1 दिन में 1000 पेजेस की बुक रिवाइज नहीं होती. सो अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स है तो आप 10 बार सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. अगर नहीं है तो 2 बार भी करना मुश्किल हो जाता है ना. दिस इज द गैप. आफ्टर दैट अपडेट्स की बात करता हूँ मैं आपको. जैसे आप अगर 2 साल के लिए वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, या 1 साल के लिए वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, 1.5 साल के लिए ले रहे हैं, उसके बाद अगर इंस्टीट्यूट कोई अपडेट लाता है या मैं कोई अपडेट लाता हूँ वीडियो लेक्चर्स में, तो वो वीडियो लेक्चर्स कहाँ आपको मिलेंगे. इसके बाद में मेरे से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, SFM की कोई नया वीडियो आया, कैसे पढ़ना यह वीडियो आया, तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेटेड रहना है मुझसे रिलेटेड, सो यू विल हैव 4 अदर, मतलब आपको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा. एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, आई मोस्टली यूज़ व्हाट्सएप ग्रुप. तो आप अगर मेरे को, आप स्टूडेंट हो नहीं हो डजेंट मैटर, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, आई विल ऐड यू इन द ग्रुप. डोंट एवर पोस्ट इन दैट ग्रुप बिकॉज दैट इज़ ओनली फॉर माई पर्पज. सो ताकि मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, दैट्स इट. सो एक ये हो गया. उसके बाद में यूट्यूब, यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ डालते रहूँगा बीच बीच में, तो यहाँ पे अपडेट्स आते हैं. उसके बाद में मेल, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू अ लॉट बिकॉज दिस इज़ द वे. मतलब स्टाफ को भी अगर मेल, अगर आप तक पहुँचना होता है तो मेल ही, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ही आपका एक जरिया होता है जिससे हम लोग आप तक पहुँच सकते हैं. सो स्टे एक्टिव ऑन दैट. जैसे क्या अपडेट्स आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर अगर अपडेट हुआ तो नई EXE फाइल आती है 15-20 MB की, उसको अपडेट कर लो तो आपको नोटिफिकेशन, और 2-4 अलग अलग फीचर्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, बग्स वगैरह हैं उसको सॉल्व करते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं बेसिकली. सो अगर आप एक्टिव रहोगे तो ही आपको पता चलेगा बहुत सारे. अगर आपको, जैसे आप अभी वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, अगले साल बोलता हूँ सॉरी, 2018 में ही ले लो, जुलाई अगस्त में आपको, और मैं अपडेट करूँगा इन वीडियो लेक्चर्स को, तो वो वीडियो लेक्चर्स जो है 6-7 महीने बाद जो नए आने वाले हैं, ये भी आप लोगों के लिए फ्री होते हैं जिन्होंने पहले खरीदा, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए फ्री होते हैं. द ओनली कॉस्ट दैट यू माइट हैव टू बियर इज़ पेन ड्राइव की कॉस्ट एंड कुरियर कॉस्ट, बाकी और आपको कुछ और कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती, जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो. बट इन सब का पता कहाँ से चलेगा आपको कि आए हैं नहीं आए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेल पे ज़रूर एक्टिव रहिएगा, मेल ज़रूर आता है. बाकी तीनों पे शायद आए ना आए, बट मेल पे ज़रूर आएगा आपको. सो
आपने मुझसे वीडियो लेक्चर्स खरीदना, यानी मेल एक्टिव कर लिया ऐसा मान के चलो, मेल आपने जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर ज़रूर एक्टिव रहना प्लीज़। एंड अगर आपका कोई नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ भी चेंज होता है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉन्फ्रेंजा के प्लेयर पे आप उसको चेंज करो, या वेबसाइट पे, सॉरी प्लेयर पे नहीं, वेबसाइट पे आप उसको चेंज कर दो, या एक ईमेल डाल दो हमारी स्टाफ को भी, तो वो भी अपडेट करा लेंगे। बिकॉज कॉल, SMS वगैरह करना होता है कभी, तो फिर आपको पहुंचेगा नहीं वो अपडेट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के लिंक मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूंगा, जिसमें मैं सारी डिटेल्स या फाइल्स डालता हूं, क्योंकि आपने ये वीडियो लेक्चर्स ले लिए और वहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, कुछ ऑडियो नोट्स रिविजन के लिए, छोटे छोटे नोट्स, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बीच बीच में प्रोवाइड करवाते रहूँगा। सो आप अगर एक्टिव रहेंगे आपके मोबाइल पे, गूगल ड्राइव पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ हैंडी, लाइक मैंने अभी अपलोड किया और अगले 5 मिनट में आपके पास में वो पहुँच जाएगा। सो दैट मच ऑफ द कैपेसिटी एंड वी कैन यूज़ द इंटरनेट। सो स्टे एक्टिव ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। यस, फेसबुक की बात अगर करूँ, फेसबुक पे भी यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल हेल्प। टेक्निकल हेल्प मतलब आपका वीडियो प्लेयर नहीं चल रहा है, कुछ मिसिंग हो गया, कुछ लेक्चर्स डिलीट हो गए, कोई भी दिक्कत अगर आती है, तो आप इन दो चीज़ों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्फ्रेंसा को। मोस्टली ट्राई करिए कि आप ईमेल डालेंगे, कॉल ना करें। कॉल पे भी सपोर्ट मिलता है आपको, ये लोग खुद ही कॉल कर लेते हैं। बट जनरली अगर दूसरे कॉल पर रहें और आपका कॉल लगता नहीं है और आप को लगा लगा के परेशान हो जाते हैं, तो फिर आपको भी इरिटेट होता है बेसिकली। तो आप ईमेल करो, बिंदास ईमेल करो, एक दिन के अंदर में आपको नॉर्मली रिप्लाई आ जाता है। नहीं आता तो आप एक बार कॉल कर लो। 100 में से मैं आपको गारंटी देता हूँ 95% आपको स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा, 95-98% स्टूडेंट सपोर्ट मिलेगा। बिकॉज हम मेरी तरफ से भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखा जाता है इन लोगों को कि भैया कोई भी स्टूडेंट ने गलत रिव्यूज़ नहीं देने चाहिए। सो ये रिव्यूज़ गलत नहीं आने चाहिए, इसके लिए सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। सो दीज टू आर गोइंग टू बी द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। मुझसे कांटेक्ट करना है, कुछ भी मेरे को पूछना है अपार्ट फ्रॉम दिस एंड इस पूरे वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो पढ़ने के बीच बीच में, वीडियो लेक्चर देखते देखते आपको कुछ दिमाग में आया कि मैं इनसे पूछा जाए, आप ईमेल करो या व्हाट्सएप पे मेरे को ये नंबर पे मैसेज कर दो। दो चीज़ें हैं, कॉल मत करना, कॉल मोस्टली मैं उठा नहीं पाऊँ। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं कभी, अगर मैं फ्री रहा उठा लिया तो वी कैन डिस्कस, बट मैसेज प्रोबेबली आई विल प्रिफर, क्योंकि मैं आपका कॉल मिस कर दूँ और तो फिर मेरे को भी बाद में बुरा लगेगा। सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट द वीडियो लेक्चर्स। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। आई विल बी लाइक आई विल रिप्लाई टू योर डाउट्स, एक्सप्लेनिंग द सोल्यूशन टू वॉट यू आर आस्किंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द SFM रेगुलर बैच एंड दैट्स टू न्यू सिलेबस। यू आर गोइंग टू एन्जॉय द कमिंग वीडियोज एंड दैट्स माई गारंटी। जस्ट एन्जॉय इट एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।